इस नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है आज हम ये पढ़ेंगे। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से कुछ पैसे नहीं कटते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंने IT टूल्स के नोट्स बिल्कुल हिंदी में बेसिक से पढ़ाए हैं। अगर आप ओ लेवल कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ओ लेवल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने इसमें कवर किए हैं बिल्कुल बेसिक से, वो भी हिंदी में, क्योंकि अक्सर बच्चों को परेशानी होती है कि वो हिंदी में नोट्स नहीं मिलते हैं उन्हें, तो मैंने बिल्कुल हिंदी में बिल्कुल बेसिक से एकदम कवर किया है, जिसे एक बिगिनर बच्चा भी आराम से पढ़कर, जो बिल्कुल शुरुआत में ओल्ड, जिसने अभी कभी भी कोर्स नहीं किया कोई सा कंप्यूटर सा, तो अगर वो सारे वीडियो देख लेता तो भी बहुत कुछ सीख सकता है। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? ऐसे प्रिंटर जो प्रिंट करते समय नॉइज़ करते हैं, नॉइज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जो नॉइज़ नहीं करेंगे वो कैसे होंगे? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होंगे, ठीक है। और उसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, जो नॉइज़ नहीं करते हैं उसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। इसकी क्वालिटी और स्पीड क्या करती है? इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में ज़्यादा अच्छी होती है। और यह दो प्रकार के होते हैं, इनके हम प्रकार भी पढ़ते हैं, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। पहले इंकजेट प्रिंटर पढ़ते हैं। यह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें क्या होता है, एक नोजल से कागज पर स्याही की बूंदों की बौछार करके करेक्टर व ग्राफिक्स प्रिंट किए जाते हैं, ठीक है। इस प्रिंटर का आउटपुट बहुत स्पष्ट होता है, ये अच्छे प्रिंटर होते हैं ये भी याद रखना, क्योंकि इसमें अक्षर का निर्माण कई डॉट से मिलकर होता है और इस प्रिंटर में हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग होती है। इसमें बस ये क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन बनता है अक्सर, इसमें 300 DPI या अधिक की प्रिंट क्वालिटी में प्रिंट किया जा सकता है। ये आराम से याद रखना, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है 300 से अधिक में किस में प्रिंट किया जा सकता है, तो इंकजेट प्रिंटर में किया जा सकता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लेज़र प्रिंटर। ये भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार होता है। ये अक्सर, ये तो अभी बहुत ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रिंटर प्रोफेशनल रूप से सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सबसे यूज ज़्यादा किए जाने वाले प्रिंटर में कौन सा आता है? लेज़र प्रिंटर। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन गया आपका। प्रिंटर, इसके ब्लैक एंड वाइट और रंगीन दोनों प्रकार की प्रिंट किए जा सकते हैं इसमें, और इनकी करेक्टर को बनाने के लिए, डॉट्स को क्रिएट करने के लिए लेज़र लाइट की ज़रूरत होती है, लेज़र लाइट का यूज़ किया जाता है। और ये प्रिंटर एक समय पर एक पेज को क्रिएट करता है और इसकी प्रिंटिंग स्पीड काफ़ी तेज़ होती है और इसकी DPI 600 या अधिक होती है। तो ये क्वेश्चन बन गया, इसकी DPI 600 या अधिक होती है और एक समय पर एक पेज को क्रिएट करता है, ये इसमें एक, ये भी आपको याद रखना है। और इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी होती है, आप जानते ही हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो मैं ज़रूर ही कहूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ओ लेवल से रिलेटेड मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है, मैंने ओ लेवल किया हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल हिंदी में नोट्स कहीं नहीं मिलने वाले हैं आई थिंक, क्योंकि ये मैंने बड़ा मेहनत से बनाया है, तो इसलिए हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल फ्री में। मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा ओ कंप्यूटर सीखे, और अगर आप ओ लेवल कर रहे हैं तो ए ग्रेड से पास हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।